नमस्कार दोस्तों, पार्वती साहब लोग में आपका स्वागत है। आज मैं गांव की दाल बना रही हूँ। दाल रख दी मैंने, पहले मैंने राजमा रूप में भिगा रखी थी। सब मूट की दाल है, राजमा है, तोर है, सब भिगा रखी थी। तो मैं इनको सब उबालने को रख दे रही हूँ। पहले मैं मसाले डाल दूंगी। ये मैंने धना पाउडर डाल दिया, मैं हल्दी डाल दूंगी इसमें। सब कटे उबालने को रख देती मैं। हल्दी डाल दी, फिर मैं मिर्च भी डाल दूंगी। मिर्च भी डाल दिया मैंने, नमक डाल दूंगी। नमक भी डाल दिया, और मैं डालूंगी इसमें अदरक पत्ता का मैंने अदरक। फिर आप डालूंगी साबुत लहसुन, हमारे गांव की दाल है पहाड़ी दाल। हमें डाल दूंगी टमाटर, टमाटर भी डाल दूंगी। मैंने सब सामान डाल दिया इसमें। अब सीधा मैं इसमें तड़का मारूंगी बाद में, हींग का जीरा का, हींग और जीरा का तड़का मारूंगी बाद में। अभी मैंने सब चीज डाल दी इसमें, हमें ढका लगा दूंगी, फिर मैं तड़का मारते समय आपको बताती हूँ। सब्जी भी बना रही दोस्तों, राय का तड़का मार रही मैं उसमें। राय की सब्जी भी है, हल्का मैं हल्का बनाऊंगी उसको, हल्का ज्यादा फ्राई भी नहीं करती हूँ। लाल मिर्च ऐसे डालूंगी उसी में। बाकी मेरा अपने गांव की तरीका से बनाती हूँ, पहाड़ी तरीका से। हम पहाड़ी लोग ऐसे खा भी लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। राय की सब्जी बनाऊंगी मैं। राय की सब्जी है ये, थोड़ा हल्का पकाऊंगी इसको, जैसे गांव में पकाता हम। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पका देते हैं, हल्का पकाओ में हल्के हल्का कच्चे कच्चे निकाल देते हैं। ऐसे बनाते हैं राय की सब्जी। बस मैंने उसमें लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा हल्का नमक डालूंगी। नमक डाल के इसको बस फ्राई करके, ज्यादा कुछ नहीं डालना इसमें। बस कहने ज्यादा कुछ डालने का नहीं। राय की सब्जी बना रही है अभी, रखी मैंने थोड़ा देर में। मैं दाल में तड़का मारने वाली हूँ, गाँव की दाल को बना रही है आज। आजकल ही मैं गाँव की दाल अच्छी लगती, दो तीन महीने के बीच में आधा मैंने रह रखा, बाकी गाँव की दाल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मतलब ज़्यादा नहीं खाई जाती है, इसलिए आजकल हमारे गाँव से यार की दाल अच्छी। मैं उसकी तड़का मारूंगी अभी। हरी सब्जी बनते रहेगी, हरी सब्जी बन रही, इसके साथ मैं तड़का बना देती हूँ। अब इसमें जीरा डालूंगी मैं, अपने पहाड़ी तरीके से बना रही, बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बना रही हूँ। लहसुन है, उसका तड़का भी मार लूंगी, बिल्कुल तवा में मारते, तड़का तवा से मारूंगी मैं। तड़का तवा नहीं मारती हूँ, तड़का पूरा पहाड़ी स्टाइल में है। ये दाल है कुकर में, दाल पक गई, छौंक मारूंगी इसमें अभी। हींग डाल दिया मैंने, हींग जरूर डालना चाहिए गाँव के दाल में। हींग की खुशबू भी आती, गैस भी नहीं होती। ये देखो मैंने छोंकने को दाल छोंक दी, तवे में मैंने तड़का बनाया पहाड़ी स्टाइल में, पूरा सब अपना पहाड़ी, पूरा पहाड़ी स्टाइल में अपना। फिर बनाऊंगी इसके साथ पौधे की रोटी, पहाड़ी स्टाइल में खाएंगे, पूरा पहाड़ी खाना बनेगा आज, अपना पहाड़ी खाना है पूरा पहाड़ी स्टाइल में। हरी भूजी मड़ुए की रोटी नहीं, कोदे की रोटी, पहाड़ी दादी का पहाड़ी स्टाइल का खाना, बहुत दिन से नहीं खाए, आज खाएंगे सब मिल के। बस अब मैंने दाल बना दी, अब मैं बनाऊंगी कोदे की रोटी। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने फिर पहाड़ी थाली बना रखी है। मैंने गैस की दाल बना रखी है आज, गैस और राजमा बना रखी है, हरी सब्जी बना रखी है, घी है, गुड़ है, मड़ुआ की रोटी है। आ जाओ आप भी खाने के लिए। मैंने मड़ुआ की रोटी, घी, गुड़, हरी सब्जी बना रखी, पूरा अपने पहाड़ी स्टाइल में। मेरे को अच्छा लगता, मैं हफ्ता में एक दिन जरूर बना देती हूँ। आप आओ, आप भी आओ खाने को। हम और आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। पहाड़ी थाली आप भी बनाओ, कभी कभी पहाड़ी खाना खा लिया करो। डेली डेली अच्छा नहीं लगता, पर हफ्ता में एक दिन जरूर खाओ। हमारा हरी सब्जी बगीचे में से तोड़ के ला रखी थी,
वो हरी सब्जी बना रखी है, आप भी खाओ। अब तक के लिए मेरे ब्लॉग देखते रहे, मेरा अगला ब्लॉग का इंतजार करिए। अगला ब्लॉग बनाऊंगी मैं तब डालूंगी, अभी तब तक ब्लॉग देखते रहे। अब ऐसे मुझे लाइक करते रहे, मेरे हौसला बढ़ाते रहे, मैं अपने पहाड़ी व्यंजन के आपको फोटो डालते रहूंगी, आप देखते रहे। हमारे पहाड़ी खाने का प्रचार करो, पहाड़ी खाना अपने संस्कृति भूलो मत, अपने पहाड़ी खाना बनाते रहो। मेरे भाई बहन पहाड़ी खाना बनाते मैं इसको देखते रहो, अपने पहाड़ी खाने का प्रचार करो, इसको भूलो मत। अरे एक हफ्ता में एक दिन जरूर बनाओ। हम मिलते फिर अगले ब्लॉग में।